तो अभी फाइनली वक्त हो चुका है इस इको पार्क का एक्वेरियम दिखाने के लिए, जहाँ पे मैंने सुना है बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े विदेशी मछली देखने को मिलता है। ये रहा एक्वेरियम। अभी हम लोग पहुँच गए हैं एक्वेरियम। एक्वेरियम का मतलब ये होता है जहाँ पे फिश का पालन किया जाता है। एंड यहाँ पे कुछ चार चीज दिया गया है। सबसे पहले होता है लोकल नेम। लोकल नेम का मतलब ये होता है दोस्तों, जो मछली जिस जगह पे पाया जाता है उस जगह पे उस मछली का नाम क्या है उसको बोलते हैं आपका लोकल नेम। दूसरा होता है आपका साइंटिफिक नेम। चलते चलते आपका साइंटिफिक नेम भी समझाने का कोशिश कर दूंगा। यहाँ में देखिए, यहाँ में इसका कॉमन नेम है ब्लड पैरोट। इस मतलब ये मछली जिस स्पेशल जगह पे पाया जाता है उस जगह पे इसका नाम है ब्लड पैरोट। लेकिन इसका साइंटिफिक नेम है हीरोस सेवेरस। हीरोस साइंटिफिक नेम का मतलब होता है दोस्तों इंटरनेशनल नेम। पूरे दुनिया पे इसका नाम हीरोस सेवेरस ही रहेगा। कहने का मतलब है अगर चाइना में भी जाएंगे तो इसको हीरोस सेवेरस ही बोलेंगे, इंडिया में भी इसको हीरोस सेवेरस ही बोलेंगे, अमेरिका में भी इसको हीरोस सेवेरस ही बोलेंगे, कनाडा में भी आपको इसको हीरोस सेवेरस ही बोलेंगे। इस धरती पे जितना भी कंट्री है उसमें उसका नाम वही रहेगा। साइंटिफिक नेम मतलब होता है इंटरनेशनल नेम। अच्छा, आपका मन में सवाल उठ रहा होगा कि साइंटिफिक नेम रखने का क्या जरूरत। साइंटिफिक नेम रखने का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है, जैसे कि देखिए चाइना में हो सकता है, चाइना में लोग जब साइंस पढ़ाते हैं वो चाइनीज़ में पढ़ाते, इंग्लिश में नहीं पढ़ाते। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे कि हमारे इंडिया में इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, लेकिन हर कंट्री में इंग्लिश को इतना प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है। जापान में जितने भी साइंटिस्ट है वो जापानीज़ लैंग्वेज में पढ़ के ही साइंटिस्ट बनते हैं, चाइना में चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ के ही मतलब साइंटिस्ट बनते हैं। तो जब ये सब साइंटिस्ट, ये सब बड़े बड़े विद्वान लोग इकट्ठा होकर मीटिंग करते हैं तब इनका प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे कि ये मछली का नाम क्या है, जो इंग्लिश पढ़े आए हो तो इंग्लिश में बोलेंगे, जो जापानीज़ पढ़ के आए हो जापानीज़ में उसका नाम बोलेंगे, जो कैनेडियन पढ़ के आए वो कैनेडियन में बोलेंगे, जो फिलीपींस पढ़ के आए वो फिलीपींस में बोलेंगे, एंड जो इंडियंस भारतीय हिंदी में पढ़ के आए तो इसका नाम हिंदी में बोलेंगे, संस्कृत में पढ़े हैं तो संस्कृत में बोलेंगे। यहाँ पे आपका काम आता है साइंटिफिक नेम। जी हाँ, साइंटिफिक नेम सबके लिए सेम होना चाहिए, किसी के लिए अलग नहीं होता है। ओके, हर एक कंट्री में, हर एक देश में, इस दुनिया में जितना भी देश है हर एक देश में इसका नाम देखिए। यहाँ में बाकी भाई इसका नाम नहीं पढ़ने वाला है, भाई बहुत लंबा है, इजी वाला नेम आपको पकड़ के लाने वाला। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसका साइंटिफिक नेम है कैरेसियस ओरोटास। कैरेसियस ओरोटास ये मतलब इंग्लैंड में, जापान में, नेपाल में, भारत में, कैनेडा में, दुनिया के इस धरती पे जितना भी देश है सभी देश में इस मछली का नाम कैरेसियस ओरोटास ही होगा, यही होता है इसका साइंटिफिक नेम। बट लोकल नेम यहाँ में क्या है, सुगुनकिन गोल्डफिश, मतलब जिस स्पेशल लोकेशन पे ये मछली पाया जाता है उस जगह पे इसका नाम है सुगुनकिन गोल्डफिश, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम है कैरेसियस ओरोटास। तो आप लोग का साइंटिफिक नेम का मतलब पता चल गया है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये कहाँ से लाया है। ओके, मतलब बेसिकली इसका मतलब यही होता है कि मतलब किस देश से, कौन से जगह से लाया है डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जापान, मतलब ये मछली जापान से इंपोर्ट हुआ है इंडिया में। ओके, जापान से आया है। हैबिटेट कहाँ पे रहता है, किस टाइप के एनवायरमेंट पे, किस टाइप के मतलब पानी पे ये रहते हैं, उसका मतलब होता है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब मतलब बेसिकली हैबिटेट का मतलब होता है रहना। वी आर इंडियन हैबिटेट, यहाँ पे लिखा है फ्रेश वाटर फिश ऑल्सो फाउंड इन ब्रैकिश वाटर विद द लिटिल सैलिनिटी, मतलब ये थोड़ा खारे पानी में भी पाया जाता है। यही होता है हैबिटेट का मतलब, कहाँ पे रहते हैं, कौन से पानी पे रहते हैं। ये देखिए इतने छोटे छोटे मछली है, यहाँ पे क्या लिखा है भाई दिखा दो। इसका साइंटिफिक नेम है पुंटीगिरास टेट्राजोना। भाई बहुत खतरनाक नाम होता है साइंटिफिक नेम। एंड इसका लोकल नेम है फ्लोरेशेंट ग्रीन टाइगर हार्क। भाई नाम है कि कोई पूरा एकदम मोहल्ले का लोगों का नाम है, आई डोंट नो, इतना लंबा लंबा नाम है। हमारे भारत में, अगर हमारे इंडिया में अगर ये मछली होता तो इसका नाम होता चंदा, इसके बाद क्या आता, कोश, इसके बाद रो, इसके बाद गोड़ाई, इसके बाद चंगड़ी, इतना इजी नेम होता, लेकिन विदेशी में इसका नाम अलग अलग होता है। सो दिस ऑल अभी मैं सिनेमेटिक शॉट में आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ।